आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास। जिले के एलपीए लैब व रीजनल आरटीपीएमयू का किया शुभारंभ। कहा टीबी मरीजों को गोद ले समाज के संभ्रांत व्यक्ति। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ चलाया अभियान। किया चालान, लोगों से की अपील, घर से बाहर निकलते समय अवश्य लगाएं मास्क। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना संक्रमण के रोकथाम संबंधित बैठक। बाहर से आने वाले यात्रियों की सूची बनाकर कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के दिए निर्देश। कहा पहचान छुपाने वालों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ ने कहा तीसरे चरण तक जिले में हो चुका है 130,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन। समय से सभी लोगों के वैक्सीनेशन का है लक्ष्य। होली त्योहार के मद्देनजर घंटाघर क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निकलने वाले जुलूस मार्ग का एडीजी अखिल कुमार ने बुधवार की रात किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 3 दिवसीय मंडल स्तरीय साइन लैंग्वेज ब्रेल रीडिंग एंड राइटिंग तथा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को हुआ समापन। जिलाधिकारी ने ट्रेनिंग में बेहतरीन कार्य करने वालों को किया सम्मानित। कहा दिव्यांग बच्चों को दे अच्छी शिक्षा जिससे जुड़ सके समाज की मुख्य धारा में। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी ने मरीजों से की अपील। कहा दवा का करे पूरा कोर्स, फेस मास्क का करे प्रयोग। 2025 तक जागरूकता फैलाकर टीबी को जड़ से किया जाएगा समाप्त। गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित हुए एक्रीडिटेशन ए पाथवे टूवर्ड्स क्वालिटी इंश्योरेंस विषय कार्यशाला। वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। गोरखपुर में बुधवार को मिले 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,572। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 69 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। होली त्योहार के मद्देनजर तीसरे दिन भी मिलावटखोरों पर चला प्रशासन का चाबुक। खाद्य विभाग की टीम ने बिग बाजार व किंग बेकर्स पर मारा छापा। जांच के लिए एकत्र किए नमूने। कहा आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक। व्यापारी बंधुओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। गार्ड के लाइन बॉक्स को हटाकर ट्रॉली बैग दिए जाने, निजीकरण, ठेकाकरण आदि के विरोध में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। पूर्व पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पूर्व पार्षदों का बहुत तेजी से संगठन के साथ हो रहा जुड़ाव। 11 अप्रैल को शहर में पूर्व पार्षदों और महापौर का होगा सम्मेलन। और रंगभरी एकादशी के अवसर पर बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में मनाया गया होली उत्सव। रंग में झूमे भक्त, उड़े अबीर और गुलाल।